कल हिंगनघाट शहर में विश्व आदिवासी दिवस किस प्रकार मनाया गया है, पूरे साल उत्साह से मनाया जाने वाला यह आदिवासी बांधव ने अपने घर में ही सादगी से मनाया। आज पूरा विश्व कोविड-19 महामारी की चपेट में आ गया। इस साल 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस सार्वजनिक तौर पर खुले में मनाने में कुछ कठिनाइयां जरूर है, लेकिन यही एक दिवस है जिस दिवस पूरे विश्व के मानव सभ्यता पर विचार विमर्श होता है। मानव उत्क्रांति से लेकर आज तक जो मानव समूह नैसर्गिक संसाधन जैसे जल, जंगल, जमीन, जीवों से एक रूप होकर सहजीविका और सह अस्तित्व के साथ जीवन यापन कर रहा है, उसी सभ्यता को आदिवासी लोग कहते हैं। और आज इस महामारी में वापस आधुनिकीकरण और विकास की आंधी दौड़ नाकाम नजर आ रही है। महामारी के साथ साथ जो पर्यावरण में बदलाव का संकट आया है, यह मानव सभ्यता और जैव विविधता के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। इस सब से निपटने का एकमात्र उपाय है, हमें वापस आदिवासी ज्ञान के साथ अपना जीवन जीना सीखना होगा, जो कम से कम नैसर्गिक संसाधनों का उपयोग कर के काम के जरूरतों में जीवन यापन करते हैं। इसलिए 9 अगस्त जागतिक आदिवासी दिवस पर हमें आदिवासी जीवन मूल्यों को समाज में उजागर करना होगा। तब आज कोविड-19 में किस प्रकार आज यह दिन मनाया गया, इस बारे में कुछ आदिवासी बांधव से बातचीत की है हमारे संवाददाता रवि एनोरकर, इन्होंने आइए देखते हैं। जागतिक आदिवासी दिवस, हाँ, उसको समाज बांधव खूब मोट्या प्रमाण चांगल्या प्रमाण हिंगनघाट शहर मनत होते, पण कोरोना महामारी त्यामुळे यावेळेस ह्या सणात काही फरक पडला। तेव्हा आपण जाणून घेऊया आदिवासी काही बांधव आमचे माननीय पुंडलिकजी पेंदाम यांच्याकडून हा सण कशा प्रकारे आज तुम्ही साजरा केला याबद्दल जाणून घेऊया। मी पुंडलिक शंकरराव पेंदाम, अखिल भारतीय परदान समाज संघटना या संघटनेचे सहसचिव। आम्ही दरवर्षी मोठ्या प्रमाणामध्ये मोठ्या उत्साहाने हा जागतिक आदिवासी दिन आम्ही साजरा करत होतो, परंतु गेल्या काही महिन्यापासून आपल्या देशामध्ये शहरामध्ये कोविड-19 हा 19चा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे हा मोठ्या प्रमाणामध्ये हा आदिवासी समाजाचा हा जो उत्सव आहे जागतिक आदिवासी दिन हा आम्ही साजरा मोठ्या प्रमाणात साजरा करू शकलो नाही। आपल्या घरामध्येच राहून प्रत्येक कुटुंबाने, प्रत्येक आदिवासीने घरामध्येच राहून हा जागतिक आदिवासी दिन हा साजरा केलेला आहे। आज जागतिक आदिवासी दिवस कोरोना महामारी सुरू असल्या प्रत्येक वर्षी हा सण खूप जोमाने आणि चांगल्या प्रकारे आदिवासी बांधव साजरा करत असतात। तेव्हा कोरोना महामारी असताना हा सण यावेळेस कसा साजरा केला गेला त्याबद्दल संस्कार आदिवासी सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष लीलाधर अजय मडावी यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया हा सण सोहळा कसा साजरा केला गेला। खरं तर कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता जागतिक आदिवासी दिवस हा अतिशय शांतप्रिय पद्धतीने आम्ही साजरा केला आहे। खरं तर लोककल्याणकारी हिताचे पाऊल घेत हा आदिवासी दिवस आम्ही अतिशय शांतपणे आणि महाराष्ट्र शासनाचे धोरण लक्षात घेत आम्ही हा आदिवासी दिवस साजरा केला। हा प्रत्येक वर्षी जो आपण सोहळा साजरा करता त्या सोहळ्यात आणखी आजच्या ज्या सोहळ्यात तुम्हाला काय फरक जाणवत आहे? खरं तर विषय असा आहे की आदिवासी समाज हा पर्यावरणपूरक समाज आहे, त्यानंतर आदिवासी समाज ही जनजागृती करणे हे आम्ही नेहमीप्रमाणे करत असतो, परंतु कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता आणि महाराष्ट्र शासनाचे धोरण लक्षात घेता आम्ही यावेळेस अतिशय चांगल्या पद्धतीने हा उत्साह कसा साजरा करता येईल याकडे आम्ही जास्त लक्ष दिलं आहे आणि ह्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव कसा रोखता येईल त्यासाठी आम्ही हा सण शांतप्रिय पद्धतीने साजरा केला आहे। NBCN न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवी एनोरकर की रिपोर्ट।